Welcome, children. In data handling, today we will discuss pie chart. Pie chart is another way of representing the information. In pie chart, we represent the information in a circular way. In a circle, we represent each information by the help of sector. Sector, as you know, is a portion between the two radius and corresponding arc of the circle. यानी कि अगर आप सर्कल में कोई भी दो रेडियस ले लेंगे तो उन दोनों रेडियस के बीच में जो पोर्शन बनता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर तो पाई चार्ट में हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक सेक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं रिप्रेजेंटेड और हमें पता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो कंप्लीट एंगल बनता है वो थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है तो हमारे जो सेक्टर्स बनते हैं उनके भी अपने अपने एंगल्स होते हैं उन सारे एंगल्स का सम कितना होता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री होता है तो आइए हम डिस्कस करते हैं कैसे हम इन्फॉर्मेशन को पाई चार्ट की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल इन रुपीस ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ शॉप आर गिवन ड्रॉ पाई चार्ट तो हमें रुपीस में सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है एक शॉप में कि उस दिन कितनी सेल हुई है हमें इसको पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे दो कॉलम हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं आइटम और सेल इन रूपीज ब्रेड की सेल हुई है थ्री ट्वेंटी बिस्किट वन ट्वेंटी केक वन सिक्सटी फ्रूट ब्रेड एट्टी अदर्स फोर्टी एंड टोटल सेल कितने की हुई की हुई है अब इस इन्फॉर्मेशन को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे देख, पहले देखिए जब पाई चार्ट हम बनाते हैं तो पाई चार्ट में सबसे पहले हमारी जो भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा एक कॉलम बनेगा यहाँ पे फ्रेक्शन्स फ्रैक्शन पत, को पता है पार्ट ऑफ अ होल थिंग जैसे मैं वन अपॉइन्ट फाइव कहता हूं तो इसका मतलब होता है फाइव पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट लिया है तो यहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है हमें देखना है कि ये टोटल के साथ कितना फ्रैक्शन बनाती यानी कि टोटल हमारे यहां पे है सेवन टोटल सेल है सेवन 320 उसका कितना फ्रैक्शन बना रहा है ये हमें देखना है 120 उसका कितना फ्रैक्शन बनाना है ये हमें देखना है तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो भी हमारी इंडिविजुअल वैल्यू होती है जैसे कि यहां पे 320 है इसको सम ऑफ ऑल वैल्यूज जो 720 आया है उससे डिवाइड कर देंगे तो 720 से हम डिवाइड करेंगे और कट करने के बाद हमारे जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 4 बाय नाइन तो यानी कि हम कह सकते हैं थ्री ट्वेंटी का कितना फ्रैक्शन बनाना है फोर अप सिमिलरली हम अदर वैल्यूज के फ्रैक्शन निकालेंगे जैसे 120 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो अपॉन सेवन ट्वेंटी आ जाएगा ये आपका हो जाएगा वन अपॉन सिक्स वन सिक्सटी के लिए निकालते हैं तो वन सिक्सटी अपॉन सेवन ट्वेंटी यह आ जाएगा टू अपॉन नाइन तो ये हमारा फ्रैक्शन है एट्टी के लिए निकालते तो एट्टी अपॉन सेवन ट्वेंटी यह आ जाएगा वन अपॉन नाइन और अगर हम निकालते हैं फोर्टी के लिए तो यह आ जाएगा फोर्टी अपॉन सेवन ट्वेंटी एटीन तो हमने अपनी हर इंडिविजुअल वैल्यू के लिए फ्रैक्शन निकालनी है तो आप देख रहे हैं कि ये ब्रेड जो है फोर अपॉन नाइन फ्रैक्शन है सेवन ट्वेंटी का तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन निकालते हैं ऐसा की हमने डिस्कस किया जब हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो हम इस इंफॉर्मेशन को पाईचाट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं सर्कल के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे तो अब हम इसे एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कॉलम बनाएंगे और सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल अब हमें पता है इस पॉइंट के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होता है थ्री सिक्सटी डिग्री का एंगल होता है तो अब हमें देखना है कि जो फ्रैक्शन फोर अपॉन नाइन है ये इस थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना पोर्शन कवर कर रहा है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फ्रैक्शन आया जैसे फोर अपॉन नाइन आया इसको हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम 360 डिग्री को अब इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा 160 डिग्री नाइन फोर या थर्टी सिक्स फोर्टी इंटू फोर वन हंड्रेड डिग्री हमारा सेकंड फ्रैक्शन है वन अपॉइंट सिक्स तो इसको भी हम एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू थ्री करेंगे तो यह आ जाएगा सिक्सटी डिग्री हमेशा जब भी हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं तो फ्रैक्शन को हम थ्री डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा टू अपॉन नाइन तो इसको भी थ्री सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एट्टी डिग्री नेक्स्ट फ्रैक्शन है वन अपॉन नाइन इसको भी थ्री सिक्सटी डिग्री से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्टी डिग्री और लास्ट फ्रैक्शन है हमारा वन अपॉन एटीन तो इसको भी थ्री सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ट्वेंटी डिग्री तो ये आपने देखा कि कैसे हमने सारी वैल्यूज को इंडिविजुअल वैल्यूज को सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट किया तो पहला स्टेप क्या है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं जो इंडिविजुअल वैल्यू है जैसे 320 था उसको सम ऑफ ऑल वैल्यूज से डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा और ऐसा हर वैल्यू के लिए करना है और सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं जो फ्रैक्शन आया उसको थ्री डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमने एक चार्ट बना लिया है जिसमें हमने अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को आप देख रहे हैं एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट की फॉर्म में जिसके लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होता है जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने बना लिया है ये किसी भी रेडियस का हो सकता है और हमने इसके सेंटर को भी मार्क किया है इसके बाद हम कोई भी एक बेस लाइन बना लेंगे सबसे पहले जैसे कि हमने ये बना ली है अब हम इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो हम वन डिग्री का एंगल बनाएंगे तो देखिए मैंने प्रोटेक्टर रखा है ये सेंटर पॉइंट है एंगल की जो बेस लाइन है राइट साइड है तो मैं अंदर की रीडिंग लूंगा और इसके हिसाब से मैं वन सिक्सटी की रीडिंग लूंगा तो ये यहाँ पे आएगी वन सिक्सटी वेल कम हेयर तो ये 160 का मार्क कर दिया है अब मैं इसको स्केल की मदद से जोड़ दूंगा ध्यान देना हमारा पॉइंट बाहर आ रहा है लेकिन लाइन को हमें बाहर लेके नहीं जाना है तो हम इसको अंदर तक ही रखेंगे तो ये हमारा जो एक एंगल आया ये देखिए सेंट्रल एंगल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंगल बना वन हंड्रेड सिक्सटी डिग्री का और जो आप ये देख रहे हैं ये पोर्शन तो जो आप देख रहे हैं ये आपको जो मिला है दस पोर्शन ये कहलाता है सेक्टर देखिए एक रेडियस ये है एक रेडियस ये है ये आपकी आर्क है इनके बीच का जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड सेक्टर तो हमने वन सिक्सटी डिग्री का बना लिया है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेड को तो आप देख रहे हैं कि जो ब्रेड वाली सेल है वो सर्कल का इतना बड़ा पोर्शन कवर कर रही है अब हम दूसरी रीडिंग पे आते हैं जो बिस्किट है ये सिक्सटी डिग्री है तो हम क्या करेंगे जो एंगल की लाइन आई सेकंड वाली यहाँ पे अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे ये हमने रख दिया राइट साइड में है अब हम सिक्सटी डिग्री मार्क करेंगे तो हमारा सिक्सटी डिग्री देखिए अंदर की तरफ से देखेंगे हमारा सिक्सटी डिग्री आ रहा है यहां पर तो ये सिक्सटी डिग्री का मार्क है अगेन इसको स्केल से जोड़ ये आपने जोड़ लिया है ये 60 डिग्री का मार्क आपने नोट कर दिया है सेंट्रल एंगल 30 डिग्री का है किसके लिए है बिस्किट के लिए है नेक्स्ट रीडिंग है. है हमारी एट्टी डिग्री की ये किसके लिए केक के लिए तो हमने यहाँ पे रखा अगेन हम अंदर की तरफ स्केल देखेंगे और हमारा 80 डिग्री आ रहा है 70 के बाद 60 70 80 यहाँ पे आ रहा है हमारा 80 डिग्री तो हमने इसको मार्क कर दिया है इसको स्केल की मदद मतलब से जोड़ देते हैं दिस इज द एंगल ऑफ 80 डिग्री और ये किसके लिए हो जाएगा केक के लिए हो जाएगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंगल है फोर्टी डिग्री का फो फ्रूट ब्रेड तो हम यहाँ से फोर्टी डिग्री नापते हैं तो ये हमने स्केल लिया सॉरी प्रोटेक्टर लिया और प्रोटेक्टर की मदद से हम 40 डिग्री नापते हैं तो हमारा 40 डिग्री आएगा अंदर की तरफ यहां पर अब हम इसको माफ कर लेते हैं ये हमारी एक लाइन बाहर चलेगी इसको बाहर की तरफ नहीं ले जाना है ये हमने 40 डिग्री मार्क कर दिया यह था हमारा फ्रूट ब्रेड के लिए और ऑटोमेटिकली जो लास्ट एंगल बचेगा वो 20 डिग्री का अदर्स के लिए हो जाएगा ये 20 डिग्री का एंगल बनाए और ये बना अदर्स के लिए तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमने इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया जिसमें बड़ा पोर्शन देखिए वन सिक्सटी डिग्री सबसे बड़ा एंगल है तो सबसे बड़ा पोर्शन ब्रेड ने ऑक्यूपाई किया बिस्किट ने सिक्सटी परसेंट सिक्सटी डिग्री किया तो इतना पोर्शन है एट्टी डिग्री फोर्टी डिग्री तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि, कि किस आइटम की सेल सबसे ज्यादा हुई है और किस आइटम की सेल सबसे कम हुई है तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अवर इन्फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ पाई चार्ट जिस और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो इंडिविजुअल आपके गैप्स हैं दीज आर कॉल्ड सेक्टर्स तो हमारे दो स्टेप होते हैं पाई चार्ट बनाने में एक तो फ्रैक्शन का कॉलम और दूसरा होता है सेंट्रल एंगल का आइए एक और एग्जांपल की मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं सपोज करिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं नाउ हमारा क्वेश्चन है चॉइस ऑफ कलर का तो कुछ बच्चों को चॉइस ऑफ कलर दी गई है तो इसमें आप देख रहे हैं कलर्स दिए गए हैं ब्लू ग्रीन रेड एंड येलो एंड नंबर ऑफ पीपल आपको दिए गए हैं जिन्होंने इसकी चॉइस दी है एटीन नाइन सिक्स एंड थ्री और टोटल इनका आ रहा है थर्टी सिक्स अब हमें इसे चार्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम वही करेंगे सबसे पहला कॉलम हमारा बनेगा फ्रैक्शन का और दूसरा कॉलम बनेगा सेंट्रल एंगल का तो फ्रैक्शन निकालने का तरीका वही होता है जो इंडिविजुअल वैल्यू जैसे कि यहाँ पे एटीन है इसको सम ऑफ ऑल वैल्यूज यानी कि जो थर्टी सिक्स आया उससे डिवाइड करेंगे तो एटीन टू से थर्टी सिक्स होता है हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा टू दूसरा फ्रैक्शन निकालते हैं नाइन के लिए तो नाइन अपॉइंट थर्टी सिक्स करेंगे यह आ जाएगा वन अपॉन फोर फिर सिक्स के लिए निकालते हैं तो सिक्स अपॉइन्ट थर्टी सिक्स दैट इज वन अपॉन सिक्स और थ्री के लिए निकालेंगे थ्री अपॉइंट थर्टी सिक्स यानी कि आ जाएगा न अपॉइंट ट्वेल्व तो देखिए हमने हर वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तरीका वही है सारी वैल्यूज का सम निकालिए फ्रैक्शन निकालने के लिए इंडिविजुअल वैल्यू को सारे सम से डिवाइड कर दीजिए अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका हमें पता है जो भी फ्रैक्शन आया उसको थ्री सिक्सटी से हम डिग्री से हम इंटू कर देंगे तो सबसे पहले वन अपॉइंट टू को थ्री सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका वन हंड्रेड एट्टी डिग्री देन हमारा वन अपॉइंट फोर है तो इसको थ्री सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा नाइनटी डिग्री फिर वन एफ सिक्स है इसको भी थ्री सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा सिक्सटी डिग्री देन वन एफ ट्वेल्व है इसको भी थ्री सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा थर्टी डिग्री और आप देख सकते हैं अगर इन सारे एंगल्स का आप एडिशन करेंगे तो टोटल कितना आता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री अब पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाया और उसका सेंटर ले लिया है अब हम रिप्रेजेंट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को चार्ट पे तो सबसे पहले एक बेस लाइन बना लीजिए एंगल के लिए ये हमने ले ली है अब हमारा सबसे पहला एंगल है 180 डिग्री का तो हम अपने प्रोटेक्टर की मदद से 180 डिग्री बनाएंगे और आपको पता है 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन ही होती है तो हम 180 डिग्री को यहाँ पे मार्क कर देंगे दिस इज वन डिग्री मार्क अब हम इसको स्केल की मदद से जोड़ देंगे ये हमने जोड़ दिया है ये आपका वन एट्टी डिग्री आ गया है तो ये किसके लिए हमारा चॉइस फॉर ब्लू कलर वन हंड्रेड एट्टी डिग्री इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंगल नाइन्टी का है तो हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे यहां पे रखा और नाइन्टी डिग्री हमने मार्क कर दिया इसको स्केल की मदद से जोड़ते हैं तो ये हमारे सेकंड मार्क आ गया 90 डिग्री का और ये किस कलर के लिए है ग्रीन कलर के लिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 60 डिग्री तो हमने अपने प्रोटेक्टर को यहां रखा देखिए जो हर नए एंगल की सेकंड आर्म बनती है इसको हम फिर नेक्स्ट एंगल के लिए बेस मानते हैं यहां रखा और यहां पे 60 डिग्री मार्क करेंगे 60 डिग्री का मार्क है ये कर दिया हमने नाउ लेट बी इट बाय द हेल्प ऑफ स्केल ये 60 डिग्री हमने बना दिया है सो so, दिस 60 डिग्री एंगल इज फॉर रेड कलर एंड रिमेनिंग लास्ट वन ऑटोमेटिकली आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये है येलो कलर के लिए तो बाय द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स वी हैव लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट एनी इन्फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ पाई चार्ट पाई चार्ट का मतलब सिंपली ये है कि रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑन अ सर्कुलर ऑन अ सर्कुलर रीजन वेअर वी रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ सेक्टर सेक्टर क्या होता है दो रेडियस और एक आर उसके बीच में जो आर्क होती है उनके बीच का पोर्शन और वो मिलकर सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल एंड देर आर टू स्टेप फर्स्ट यू विल कन्वर्ट द गि इन्फॉर्मेशन एन टू फ्रैक्शन देन यू विल फाइंड द सेंट्रल एंगल सो दिस वे वी कैन मेक द पाई चार्ट थैंक यू